वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। तो आज की वीडियो जो है वो A50 के अपडेट को लेकर के, जो कि जनवरी महीने की सिक्योरिटी पैच अपडेट है, 122 MB की अपडेट है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके डिमांड के ऊपर बना रहा हूँ। बहुत से कमेंट्स मुझे आए कि A50 के ऊपर वीडियो बनाओ, जो कि अभी न्यू अपडेट आ चुकी है। ओके, तो मैं 2021 से डिसाइड किया कि A50 के वीडियोस बहुत कम बनाऊंगा, इसको बहुत कम कवर करूंगा, क्योंकि मैंने चाहता कि सिर्फ A50 की ऑडियंस ही मेरे वीडियोस को देखे, क्योंकि बहुत सी और ऑडियंस भी है जो कि सैमसंग के स्मार्टफोन जिनके पास में, या फिर रेडमी, रियलमी, असूस, ओप्पो, वीवो, बहुत से स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो भी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो उनके लिए वीडियोस में आगे से रेगुलर देता रहूँगा। ओके, अगर आप चाहते हो, अगर आपकी कोई डिमांड है, तो यहाँ पे आप A50 हो या फिर M31S हो या फिर ओप्पो हो या रेडमी हो, रियलमी हो, आप जो भी कमेंट्स करोगे उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। ओके, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं 100% पूरी पूरी कोशिश करता रहूँगा हर बार। ओके, तो यहाँ पे आपने डिमांड की थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो आपके लिए वीडियो मिल रही है। और रिव्यू करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट ये है नहीं, और साथ ही में कुछ नई इंप्रूवमेंट भी आपको ज्यादा देखने नहीं मिलते। क्या कुछ इंप्रूवमेंट है, साथ ही में क्या कुछ है बग्स वगैरह, वो सब कुछ बताऊंगा। और रही बात यहाँ पे आगे से जो है वो आपको मैं और ज्यादा अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करता रहूंगा, और आपको जो वीडियोज की जो क्वांटिटी वो कम देखने मिल रही होगी इस नए साल से, क्योंकि मैं बहुत से काम यहाँ पे स्टूडियो में कर रहा हूँ, बहुत कुछ नए इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स ला के पड़े हुए हैं, और साथ ही में ऊपर बूम स्टैंड भी लगा हुआ है, तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें होने वाली है। आपको मैं अच्छा एक्सपीरियंस अनबॉक्सिंग का देना चाहता हूँ। आगे से आपको बहुत सी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने मिलेगी, साथ ही में रिव्यू वगैरह, कैमरा कंपेरिजन, बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे एक टीम बिल्ड हो रही है, ऐसे में बहुत कुछ यहाँ पे पैसा भी लगता है, बहुत कुछ काम भी हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ी लेट मिल रही है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे जो है वो वीडियोस की क्वांटिटी कम मिल रही है, और साथ ही में क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो का यहाँ पे या फिर वीडियो का थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लाइटिंग ठीक तरीके से सेट नहीं हो चुकी है। तो यहाँ पे उसको बस आप इग्नोर करना, आपको आगे से और ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे आगे से हम बहुत कुछ नया करेंगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि देखो सिर्फ A50 के ऑडियंस को मैं कवर नहीं करना चाहता हूँ, और बहुत सी और ऑडियंस है जो कि मुझे देखना चाहती है, जिनको भी प्रॉब्लम आती है, और उनके सोल्यूशन में मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे आया हूँ, तो बस सिर्फ A50 को लेकर नहीं आया हूँ, बहुत से और मुझे टॉपिक भी कवर करने हैं, तो आपके लिए वीडियो मिलेगी, लेकिन और टॉपिक के ऊपर वीडियो आने वाली है, आप उसे भी देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी और को शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम बढ़ते हैं वीडियो तरफ, और आज का जो टॉपिक है वो A50 के अपडेट को लेकर के 122 MB की अपडेट है, जनवरी महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, और मैंने लगभग 2 दिन इसे यूज़ कर लिया है। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, देखो भाई, जब मैंने अपडेट की, तो अपडेट करने के बाद में मैं देखा तो फ़ोन के अंदर मुझे हल्के फुल्के थोड़े से UI में लैग देखने मिले, यानी कि अगर आप कोई नया एप्लीकेशन ओपन करते हो या फिर कोई भी ऐप्स ओपन करते हो तो थोड़ा वो स्लो चलता है। तो ऐसे में मैंने क्या किया कि मैंने एक बार क्लीन कैचे कर लिया, तो ऐसे बाद में मेरा फ़ोन अच्छा चलने लग गया। तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ तो नहीं हुआ, डिक्रीज़ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा स्लो फोन फील हो रहा है, इतना स्मूथ नहीं लग रहा है। लेकिन ये आपके फ़ोन के अंदर अगर ज़्यादा, अगर बहुत एप्लीकेशन हो तो फिर थोड़ा स्लो होता है, लेकिन अगर कम हो एप्लीकेशन, ज़्यादा जंक वगैरह ना हो, तो फिर ये स्मूथ चलेगा। मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा डाटा भरा हुआ है, तो इसलिए मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो काम कर रहा है, क्योंकि ये अभी ओल्ड हो चुका है, और इसमें आपको एक्सिनोस देखने मिलता है, उस हिसाब से अभी कैपेबल नहीं, इतना कैपेबल है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डाटा भर लेते हो अपने फ़ोन में, तो फिर थोड़ा स्लो काम कर ही लेता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इसमें इंप्रूवमेंट की बात करो, फीचर्स की बात करो, तो ऐसे कुछ नए फीचर्स या फिर इंप्रूवमेंट आपको देखने नहीं मिलते। कैमरा में आप चाहते हो तो नए फीचर्स नहीं है, ना ही कोई इंप्रूवमेंट है, सेल्फी कैमरा हो, रियर कैमरा हो, ऐसे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम इन डिस्प्ले सेंसर की, तो अगर आपका इन डिस्प्ले सेंसर अगर थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप फिर से नया रजिस्टर कर लीजिए अपडेट के बाद में, आपका फास्ट हो जाएगा। और मैंने बाद में फिर से रजिस्टर किया अपडेट के बाद में, और मैंने टफन ग्लास लगा रखा है, फिर भी ये फास्ट काम कर रहा है। ओके, फेस लॉक भी आप फिर से रजिस्टर कर लो, ये फास्ट काम करेगा। ओके, अब बैटरी की बात करें तो बैटरी मुझे पहले से थोड़ी अच्छी लगी, यानी कि ऐसी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन पहले से यहाँ पे अच्छी लग रही मुझे, अच्छी यहाँ पे जो बैकअप मुझे मिल रहा है 10 से 20% मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये भी आपके यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। ओके, आपके फ़ोन में जितने ज़्यादा एप्लीकेशन होंगे तो वो उतने बैकग्राउंड में चलेंगे, वैसे आपका फ़ोन जल्दी बैटरी ड्रेन करेगा। आप कितना यूज़ करते हो, कितने गेमिंग करते हो, कितना वीडियोस वॉच करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर इस बार मुझे बैटरी थोड़ी अच्छी देखने मिली। नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था, जो लोग बोलते कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम, तो वो ऐसे मुझे अब तक अभी तो नहीं देखने मिल रहा। अगर आप कोई भी सिम यूज़ करते हो, जियो, आइडिया या फिर वोडाफोन या फिर एयरटेल, तो आपको नेटवर्क का इशू देखने नहीं मिलता, क्योंकि मुझे भी देखने नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट जो है ओवरऑल सिर्फ सिक्योरिटी पैच अपडेट है। और सैमसंग अच्छी बात करता है कि A50 में अब तक जो है वो हर महीने जो है वो आपको सिक्योरिटी पैच की अपडेट देता है, कभी कभी 1-2 महीना आगे पीछे हो जाता है। लेकिन देखो कि अगर आपका फ़ोन सिक्योर रखना है इन दिनों, क्योंकि यहाँ पे आजकल हम बहुत कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, ऐसे में आपको रेगुलर इस अपडेट को ले लेना चाहिए, जो कि आपका फ़ोन सिक्योर रखती है। ओके, अब इस अपडेट में कोई बग्स मुझे अब तक देखने नहीं मिले, तो आप अपडेट को ले सकते हो, आपका फ़ोन यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं देगा। इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ नए फीचर्स नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि डाउन
डाउनग्रेड भी नहीं है ओके, तो आपका फोन जो है वो हैंग भी नहीं करेगा, लैग भी नहीं करेगा, हीट भी नहीं करेगा, क्योंकि हीट भी नहीं हो रहा है इन दिनों ठंडी के मौसम में, तो ऐसे में हीटिंग का इशू यहाँ पे ऐसे भी होता नहीं है। चार्जिंग जो है वो चार्जिंग सही तरीके से हो रही है, लगभग 2 घंटे से कम समय में यहाँ पे चार्जिंग फुल हो जाता है 0 से 100%, 1 घंटा कुछ 45 मिनट या फिर 50 मिनट में फुल चार्जिंग ये फ़ोन हो जा रहा है। साथ में ड्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे मुझे बैटरी लाइफ अच्छी मिली इस बार ओके, पर ऐसे अच्छी मिल रही है। आप अपडेट करने के बाद में एक बार क्लीन कैच कर सकते हो, या फिर आपके फ़ोन में ज़्यादा दिक्कत है तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो ओके। और रही बात यहाँ पे फ़ोन का सेंसर अच्छा काम कर रहा है और फेस लॉक भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपको पहले से अच्छा करने के लिए आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा ओके। इंप्रूवमेंट की बात करें तो ऐसे कुछ नए इंप्रूवमेंट नहीं है, आप डेफिनेटली इस अपडेट को ले सकते हो। रही बात 1UI 3.0 के अपडेट की, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि इस अपडेट को जो है वो इसके साथ में रोल आउट किया जाएगा, यानी कि सिक्योरिटी पैच जो आएगी जनवरी महीने की उसके साथ में आपको अपडेट देखने मिलेगी, तो ऐसे नहीं है। आपको 1UI 3.0 की अपडेट शायद से अगले महीने देखने मिल सकती है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये 1UI 3.0 की अपडेट देखने मिल जाएगी। उसके बाद में आपको कुछ नए फीचर्स भी देखने मिलेंगे, शायद से आपके फ़ोन में एज लाइटिंग एज पैनल भी आ जाए, जिससे एम सीरीज़ में आ चुका है, तो ये फीचर्स भी आ सकते हैं। यूआई के अंदर बहुत कुछ चेंज है, परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी, साथ ही में बैटरी लाइफ हो या फिर इन डिस्प्ले सेंसर हो या फिर फेस लॉक हो, बहुत कुछ चेंज होगा। चेंज होगा यानी कि उसमें इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि एंड्रॉइड 11 की अपडेट होगी तो वहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो सकता है, तो उसके लिए आप वेट कीजिए, जैसे अपडेट आती है मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियोज़ बना के दे दूंगा ओके। इस अपडेट की बात करें तो आप इस अपडेट को ले सकते हो, कोई बग्स नहीं है, कुछ नए इंप्रूवमेंट या फिर फीचर्स नहीं है मुझे अब तक देखने नहीं मिले पर्सनली, कैमरा में कुछ नया ऐड किया गया ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिला, तो ओवरऑल अपडेट ठीक है, आपकी सिक्योरिटी यदि आपके फोन की आप इसे ले सकते हो, लेकिन ऐसे कुछ नए इंप्रूवमेंट नहीं, ना ही कुछ डाउनग्रेड किया गया, लेकिन थोड़ा बहुत स्लो फील मुझे हुआ ये फोन, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि आपके फोन में जो अनवांटेड एप्लीकेशन है या फिर जो भी मेमोरी फुल रखी हुई है आपने, वो आप उसे थोड़ी कम कर दीजिए, या फिर आप अपने फोन को एक बार क्लीन कैच करिए, या फिर अगर आपके फोन में और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप एक बार फॉर्मेट कर सकते हो, आपका फोन अच्छा स्मूथ चलने लग जाएगा ओके। इस तरह से अपडेट थी, लगभग 122 MB की अपडेट है, और बहुत से लोग बोल रहे थे रिव्यू कीजिए ये कीजिए वो कीजिए, और ऐसे इसमें कोई भी रिव्यू करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो जो था मैंने आपको बता दिया। ऐसे कुछ भी अगर आप अलग से वीडियो देखते हो और आपको बोला जाता है कि ये हुआ है वो हुआ था, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, जो मैंने आपको बताया बस उतना ही है, बाकी और कुछ नया इंप्रूवमेंट आपको देखने नहीं मिलता। अगर आपको कुछ नया इंप्रूवमेंट देखने मिलते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और जो लोग पढ़ेंगे उसे तो उनको और फायदा हो सकता है ओके। बस इतना ही आज की वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे से मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा जरूर से, बहुत कुछ काम चल रहा है तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी वीडियोस लेट हो जाती है, आपको और ज़्यादा अच्छा और सभी कंटेंट मिलेंगे, अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह सब कुछ मिलेगा, उसके लिए बहुत कुछ काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप मुझे सपोर्ट जरूर से करोगे। अब तक आपने सपोर्ट किया है तो आगे भी सपोर्ट कीजिए, और बहुत बहुत थैंक यू आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बस इतने आज के वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।